वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह, परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने जो टेस्ट पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एनिमल हस्बेंड्री के जो 2010 का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुकुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्गमित है? विच ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एमपी? ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नस्ल है जो मध्य प्रदेश से में पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया है इसने कड़कनाथ, दूसरा ऑप्शन दिया है नेकेड नेक, तीसरा ऑप्शन दिया है डेंगी और चौथा ऑप्शन दिया है इसने गागस। तो फ्रेंड्स, जो ये कड़कनाथ जो नस्ल है ये हमारे मध्य प्रदेश से उद्गमित है, या इसका ओरिजिन जो है कड़कनाथ का वो क्या है? मध्य प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, वो जो काला मांस जो पाया जाता है कौन सी नस्ल में पाया जाता है? तो काला मांस भी कड़कनाथ में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेक के दौरान अंडों में भ्रूण ज्ञात के लिए पहला टेस्ट कितने बाद करते हैं? आफ्टर हाउ मेनी डेज द टेस्ट फॉर फर्टिलिटी ऑफ एग्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन शुड बी डन? अब ये भ्रूण ज्ञात इसलिए किया जाता है ताकि पता चल जाए कि उस अंडे में भ्रूण भी उपस्थित है या नहीं है। चलिए, तो इसने पहला ऑप्शन दिया है एक दिन, दूसरा ऑप्शन दिया है चार दिन बाद, तीसरा ऑप्शन दिया है सात दिन बाद और चौथा ऑप्शन दिया है इसने नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, जो भ्रूण ज्ञात के लिए जो सेक के दौरान अंडों का जो टेस्ट किया जाता है वो चार दिन बाद किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द व्हीट ब्रांड कंटेन्स क्रूड प्रोटीन। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन 8%, तीसरा ऑप्शन 13% और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, यहां पर 8% क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर में कितना स्थान आवश्यक होता है? हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर अ चिक इन अ ब्रूडर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक? देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग एज पर आप सभी को पता है कि चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई और हो, अलग अलग जब आयु पर अलग अलग स्थान की आवश्यकता होती है। तो उसने चूजों के लिए पूछा है कि चूजों को एक जो एक सप्ताह का है उसको कितने स्थान की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दिया है इसने 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है इसने 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और चौथा दिया है 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सही क्या आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन 65 सेंटीमीटर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में भी जानी जाती है? विच डिजीज ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेग? अब यहाँ पर ये कैटल प्लेग का दूसरा नाम पूछ रहा है कि कैटल प्लेग किस और अन्य बीमारी को भी कहा जाता है। पहला दिया है एंथ्रेक्स, दूसरा दिया है FMD जिसे हम फूड माउथ डिजीज भी बोलते हैं, तीसरा दिया है रिंडरपेस्ट, चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? रिंडरपेस्ट। फ्रेंड्स, कई बार रिंडरपेस्ट को ये RP भी लिखता है, तो वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, RP का फुल फॉर्म रिंडरपेस्ट ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नमकीन मक्खन की वसा प्रतिशत होती है, द फैट परसेंट ऑफ सॉल्टेड बटर इज? पहला ऑप्शन दिया है इसने 62, दूसरा दिया है 76, तीसरा दिया है 80 और चौथा दिया है 94। तो फ्रेंड्स, नमकीन मक्खन में 80% फैट होता है। चलिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है? विच ब्रीड ऑफ चिकन इज नोन एज ट्रू गेम बर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिया है इसने बसेरा, दूसरा दिया है कड़कनाथ, तीसरा दिया है पंजाब ब्राउन और चौथा दिया है इसने असील। तो फ्रेंड्स, असील जो है वो भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है, या उसको ट्रू गेम बर्ड भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गलघोटू बीमारी फैलती है, हेमरोजिक सेप्टिसेमिया डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू? फ्रेंड्स, कई बार ये गलघोटू को HS के नाम से भी लिख देता है, वहाँ पर पूरा नाम ना लिखते हुए ये HS भी लिख देता है। तो पहला ऑप्शन दिया है जीवाणुओं द्वारा बैक्टीरिया, दूसरा दिया है विषाणु द्वारा वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ द्वारा और चौथा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है HS, ये बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? विच मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ हे इज कंसिडर्ड बेस्ट? पहला दिया है तिपाई विधि, रिपोर्ट स्टैंड फार्म घेरा विधि, दूसरी फार्म फ्रेंच, तीसरा दिया है भूमि विधि ग्राउंड मेथड और चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसमें तिपाई विधि जो होती है, ट्राइपॉड स्टैंड वाली विधि, वो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करें, मुर्गी के अंडों के लिए पहले
18 दिन तक इंक्यूबेटर में कितने प्रतिशत अपेक्षित आर्द्रता आवश्यक होती है? हाउ मच परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड इन एन इंक्यूबेटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 डेज ऑफ चिकन एग? पहला दिया है 50, दूसरा दिया है 60, तीसरा दिया है 70 और चौथा दिया है इसने 80। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको पहले 18 दिन में 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षित आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सा जानवर मुख्यतः एंथ्रेक्स बीमारी से प्रभावित होता है? विच एनिमल इज चीफली अफेक्टेड बाय एंथ्रेक्स डिजीज? इनमें मुख्य जानवर पूछा है कि जिसको ज़्यादातर ये बीमारी होती है। पहला ऑप्शन दिया है गोधन कैटल, दूसरा ऑप्शन है भेड़ शिप, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर भेड़ में ये मुख्यतः प्रभावित होती है। चलिए आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होती है? एंड एग वेइंग 50 ग्राम विल कंटेन हाउ मच क्रूड प्रोटीन? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वो कितना भी ग्राम दे दे, वजन कितना भी दे दे, परसेंटेज वाइज तो उसमें सेम ही अमाउंट रहेगा, सेम कंटेंट रहेगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ये भ्रम पैदा करने के लिए या भटकाने के लिए भी ऐसी चीज़ें वो क्वेश्चन में डालते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4%, दूसरा दिया है 6.5%, तीसरा दिया है 9.5% और लास्ट चौथा दिया है 10.25%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोधन में इंसिजर दांतों का स्थान होता है, द लोकेशन ऑफ इंसिजर टीथ इन कैटल इज एट? अब ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं ये पूछा है इसने। पहला ऑप्शन दिया है नीचे के जबड़े पर लोअर जो, दूसरा ऑप्शन दिया है ऊपरी जबड़े पर अपर जो, तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों जबड़ों पर बोथ जो और लास्ट वाला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड हम सबको पता है कि नीचे के जबड़े पर इंसिजर दांत उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करें, सेपरेटा दूध पाउडर में कुल दूध ठोसों का प्रतिशत होता है, टोटल मिल्क सॉलिड्स परसेंटेज ऑफ स्किम मिल्क पाउडर इज? पहला ऑप्शन दिया है 85%, दूसरा दिया है 90%, तीसरा दिया है 95% और चौथा दिया है 99%। तो फ्रेंड्स ये सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त तो मानी जाती है, विच क्रॉप इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग? पहला ऑप्शन दिया है ज्वार सोरगम, दूसरा है बरसिम, तीसरा है मक्का मेज या चौथा नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि मक्का जो है साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। खाने की मलाई में दूध वसा होती है, द मिल्क फैट इन टेबल क्रीम इज? पहला ऑप्शन दिया है 20-25%, दूसरा है 30-40%, तीसरा है 65-68% और चौथा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 20-25% फैट खाने वाली क्रीम या मलाई में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में कच्ची प्रोटीन की आवश्यकता होती है, द क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर लेयर फीड इज? जो मुर्गी अंडा देती है उसके आहार में कच्ची प्रोटीन कितना सम्मिलित करना चाहिए? पहला दिया है 12%, दूसरा दिया है 14%, तीसरा दिया है 18% और चौथा दिया है 22%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर सी है 18% क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी मुर्गी को बढ़िया सीटर के रूप में जाना जाता है, विच टाइप ऑफ हैन इज कंसिडर्ड गुड सीटर? अंडे सहने के लिए जो मुर्गी या उपयोग की जाती है वो किस प्रकार की अच्छी मानी जाती है? पहला दिया है हल्की नस्ल लाइट ब्रीड, दूसरा है भारी नस्ल हैवी ब्रीड, तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी और चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हल्की नस्ल की जो मुर्गियाँ होती हैं ये बढ़िया सीटर या गुड सीटर के रूप में मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय गोधन के सिंगों पर पहला छल्ला बनने की आयु, फर्स्ट स्विंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ इंडियन कैटल अपीयर्स एट द एज ऑफ? पहला दिया है पहले साल 1 ईयर, दूसरा दिया है 2 ईयर, तीसरा दिया है 3 ईयर और चौथा दिया है 4 ईयर। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि तीसरे साल में पहला छल्ला बनता है। यहाँ पर ये जो आंसर है इसको आप करेक्ट कर लें, तीसरे साल में पहला छल्ला बनता है। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस्किडियोसिस बीमारी का कारक जीव है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉस्किडियोसिस डिजीज इज? अब ये जो बीमारी है कॉस्किडियोसिस ये किसके कारण फैलती है? पहला ऑप्शन दिया है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन दिया है विषाणु वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स सबको पता है ये प्रोटोजोआ से फैलती है। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चीज़ बनाने के लिए मुख्यतः दूध को कोगुलेट करते हैं, फॉर चीज़ मैन्युफैक्चर मोस्टली मिल्क इज कोगुलेटेड बाय? जो चीज़ बनाने के लिए दूध जब फाड़ा जाता है वो किसके द्वारा मुख्यतः किया जाता है? पहला ऑप्शन है गर्म करके हीट, दूसरा ऑप्शन है अम्ल द्वारा एसिड, तीसरा है किण्वन द्वारा एंजाइम या लास्ट वाला जो है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबको पता है एंजाइम द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस का गुणांक पत्र विधि द्वारा निर्णयन के लिए सामान्य स्वरूप के कितने अंक दिए जाते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर असाइन टू द जनरल अपीयरेंस ऑफ द काउ एंड बफेलो टू जज देयर स्कोर कार्ड? ये जांच करने की एक विधि होती है फ्रेंड्स, जिसमें गाय या भैंस के प्रत्येक अंग को या पार्ट को अलग अलग नंबर दिया जाता है। और यहाँ पर ये जनरल अपीयरेंस की बात कर रहा है कि जनरल अपीयरेंस के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा है 20 और चौथा ऑप्शन है 25। तो फ्रेंड्स 25 नंबर उसके सामान्य स्वरूप के लिए दिए जाते हैं, तो आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में भैंसों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है? हाउ मच परसेंटेज इज फाउंड इन इंडिया फ्रॉम टोटल बफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं 2010 का पेपर है और आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही है। और डाटा वाइज अगर जो हम चलेंगे तो आज के टाइम पर डाटा थोड़ा वेरी कर जाता है। तो पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा है 60%। तो फ्रेंड्स उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें तो 50% डाटा था, परंतु आज के टाइम पर अगर हम लेकर चलें तो आंसर जो डी है 60% वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मोस्टली 58% पाई जाती हैं। तो आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाचक रस रोमंथिका पशु अमाशय के किस भाग में स्त्रावित होता है? द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ रुमिनेंट स्टमक? पहला है प्रथम अमाशय जिसको रुमेन कहा जाता है, दूसरा जालिका रेटिकुलम, तीसरा है तृतीय अमाशय ओमेजम, चौथा है चतुर्थ अमाशय। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि चतुर्थ अमाशय या ओमेजम में पाचक रस स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेल हार्मोन? पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है वो नर हार्मोन या मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य भैंस की श्वसन गति होती है, रेस्पिरेशन रेट ऑफ नॉर्मल बफेलो इज? पहला ऑप्शन दिया है 10 से 15 पर मिनट, दूसरा है 15 से 20 पर मिनट, तीसरा है 20 से 25 पर मिनट और चौथा है 25 से 30 पर मिनट। तो आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 15 से 20 पर मिनट सामान्य भैंस की श्वसन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय का औसतन गर्भकाल होता है, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ काउ इज? पहला है 261 डेज, दूसरा है 281 डेज, तीसरा है 301 डेज और चौथा है 321 डेज। तो फ्रेंड्स 281 डेज जो है वो क्या है, राइट आंसर है, आंसर बी इसका करेक्ट है। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है, द ट्रिपल पर्पस ब्रीड ऑफ शीप इज? अब ऐसी भेड़ जो तीन पर्पस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए भी, ऊन के लिए भी और दूध के लिए भी। पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी, तीसरा है सोनाड़ी और चौथा है चोकला। तो यहाँ पर सोनाड़ी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है? विच गोट ब्रीड हैज लार्जेस्ट बॉडी साइज अमंग द इंडियन ब्रीड्स ऑफ गोट? पहला ऑप्शन है जमुनापरी, दूसरा बर्बरी, तीसरा गद्दी और चौथा है बीटल। तो हम सबको पता है कि जो जमुनापरी है वो भारतीय नस्लों की सबसे बड़े आकार की नस्ल होती है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गायें गर्भित की जा सकती हैं? हाउ मेनी काउस कैन बी ब्रीड थ्रू AI बाय द सीमन ऑफ वन बुल इन अ ईयर? पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा 1000, तीसरा 10000 और चौथा दिया है 1 लाख। तो आंसर सी जो है 10000 वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस ब्रीड काउ? पहला ऑप्शन है आयरशायर, दूसरा है जर्सी, तीसरा है होलिस्टीन फ्रीजियन और चौथा है करन स्विस। कई बार होलिस्टीन फ्रीजियन को वो HS भी लिखता है फ्रेंड्स। तो हम सबको पता है ये जो करन स्विस है ये एक संकर नस्ल है या क्रॉस ब्रीड है गाय की, तो आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसतन आयु होती है, द एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन क्रॉस ब्रीड हाइपर्स इज? पहला है 12 मंथ, दूसरा है 18 मंथ्स, तीसरा है 24 मंथ्स और चौथा है 30 मंथ्स। तो फ्रेंड्स सी आंसर जो है 24 मंथ्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कई बार वो साल में भी लिख के दे देता है एज इन 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर। तो यहाँ पर यदि कभी वो 2 ईयर भी लिख कर देता है तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है, उसे कितने खींच की आवश्यकता होती है? हाउ मच कोलेस्ट्रॉल विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ काउ
वेइंग 25 किलोग्राम एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स 0.5 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम और चौथा जो ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि बछड़े को उसके भार का 1/10 पार्ट दिया जाता है, तो 25 किलोग्राम का 1/10 कितना हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ों की श्रंग नलिका को निकालने का कार्य किस आयु में करना चाहिए। द डीबडिंग ऑफ काउ शुड बी डन एट द एज ऑफ 4 से 10 दिन में, 20 से 26 दिन में, तीसरा है 32 से 42 दिन में या फिर चौथा है 56 से 62 दिन में। तो फ्रेंड्स एक हफ्ते में या 4 से 10 दिन के अंदर अंदर डीबडिंग कर देना चाहिए, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे थन वाले पशु की दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछा है विच मेथड ऑफ मिल्किंग इज सुटेबल फॉर मिल्किंग ऑफ एनिमल हैविंग स्मॉल टीथ। छोटे थनों वालों के लिए पूछा है, ऐसे पशु जिनके थन छोटे होते हैं उनमें दूध दोहने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है। पहला है पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड, दूसरा है नकलिंग विधि, तीसरा है मशीन द्वारा और चौथा है अंगूठे व उंगलियों द्वारा, स्ट्रिपिंग मेथड जिसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है। अंगूठा या उंगलियों द्वारा जो मेथड है वो उपयुक्त मानी जाती है छोटे थनों वाले पशु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए। द मिल्किंग ऑफ अ काउ शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम। हम सबको पता है फ्रेंड्स जो ये दूध जो थनों में उतरता है ये ऑक्सीटोसिन के कारण निकलता है, ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट के लिए रहता है, तो जितने देर के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रभाव रहेगा उतने ही देर में दूध निकाल लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 3 से 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 से 7 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 9 से 11 मिनट और चौथा ऑप्शन है 13 से 15 मिनट। तो फ्रेंड्स आंसर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का शुष्क अवधि कम से कम कितना होना चाहिए। द मिनिमम ड्राइंग पीरियड ऑफ अ काउ शुड बी, पहला ऑप्शन है 40 डेज, दूसरा है 60 डेज, तीसरा है 80 डेज और चौथा है 100 डेज। तो फ्रेंड्स मिनिमम उसका ड्राइंग पीरियड या शुष्क अवधि 60 डेज की होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा है। द शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन टोटल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज, अब पूरा जो कृषि जो जितना भी कृषि व्यवसाय जितना होता है उसमें पशुपालन कितना हिस्सेदारी करता है। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा है 25% और चौथा जो है 30%। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाला जो आंसर है 15% क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दूध से आता है। हाउ मच मिल्क अराउंड कंट्रीब्यूट्स इन टोटल आउटपुट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। पिछले क्वेश्चन में पूरे कृषि से पशुपालन का पूछा था, अब इसमें पूछा है पशुपालन से में से कितना प्रतिशत दूध उत्पादन से ही मिलता है। तो पहला ऑप्शन है 50 से 55%, दूसरा है 62-65%, तीसरा है 70-75% और चौथा है 82-85%। तो फ्रेंड्स ए वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों को प्रभावित नहीं डालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। पहला है पैतृक कारक, स्पेसी फैक्टर जिसे बोला जाता है ब्रीड ऑफ एनिमल, दूसरा है एज ऑफ एनिमल या कलर ऑफ एनिमल। अब इसमें जो आंसर डी जो है वो कलर ऑफ एनिमल इसमें इफेक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज अ सिक्रेशन ऑब्टेंड, ये जो खीस है वो ब्याद के कब प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दिया है इसने बिफोर काविंग, जनन के पहले, दूसरा ऑप्शन है जस्ट आफ्टर काविंग, ब्याने के तुरंत बाद, तीसरा ऑप्शन है 1 वीक आफ्टर काविंग, ब्याने के 1 हफ्ते बाद, या चौथा ऑप्शन है 2 वीक्स आफ्टर काविंग, 2 हफ्ते, ब्याने के 2 हफ्ते बाद। तो फ्रेंड्स खीस ब्याने के तुरंत बाद वाला जो मिलता है वो उसे क्या बोला जाता है, खीस बोला जाता है। तो इसका जो बी आंसर वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क कंटेन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फैट। निम्न में से कौन से दूध में सर्वोत्तम वसा पाई जाती है। पहला है फोर मिल्क प्रथम मिल्क, दूसरा है मिडिल मिल्क, तीसरा है स्ट्रिप मिल्क या चौथा है फर्स्ट मिल्क। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है जो स्ट्रिप मिल्क जो होता है उसमें सबसे या जो अंतिम दिन दूध जिसे बोला जाता है उसमें सर्वाधिक वसा प्राप्त होती है। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो इसको आप समझें तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। दूसरा है अ हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ शुड बी मिल्क, एक ऐसी गाय जो
अधिक दूध देती है वो कितनी बार उसका दूध दोहन करना चाहिए? ऑप्शन है पहला एक वन टाइम एक बार, दूसरा है टू टाइम दो बार, तीसरा है थ्री टाइम तीन बार और चौथा है फोर टाइम फोर बार। तो नॉर्मली तो हम दो बार ही करते हैं, पर ऐसी गाय जो जिसका दूध उत्पादन अधिक है उसको तीन बार करना चाहिए। तो आंसर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश काउ मिल्क इज, गाय के ताजे दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? पहला ऑप्शन है 6.5 to 6.7, दूसरा ऑप्शन है 6.7 to 6.9, तीसरा ऑप्शन है 6.9 to 7.1, चौथा ऑप्शन है 7.1 to 7.3। तो फ्रेंड्स ए वाला जो ऑप्शन है 6.5 to 6.7 वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लीटर भैंस के दूध का भार होता है, द वेट ऑफ वन लीटर बफेलो मिल्क विल बी, पहला ऑप्शन है 930 ग्राम, दूसरा है 980 ग्राम, तीसरा है 1030 ग्राम और चौथा है 1080 ग्राम। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है बफेलो के मिल्क की वो अप्रॉक्सीमेटली 1.030 होती है, तो इसका भार कितना हो जाएगा 1030 ग्राम। आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग जाँच के लिए किया जाता है, ब्यूटेरोमीटर इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ, ब्यूटेरोमीटर किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है केसिन और चौथा है फैट। तो फ्रेंड्स सबको पता है कि ब्यूटेरोमीटर फैट एनालिसिस के लिए किया जाता है, फैट की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुग्ध शर्करा को कहा जाता है मिल्क शुगर इज ऑल्सो नोन एज, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है फ्रक्टोज और चौथा है सुक्रोज। तो ऑप्शन बी वाला जो है लैक्टोज ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लैक्टोज के कारण जो दूध मीठापन होता है वो किसी के कारण होता है, लैक्टोज के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय के घी में कितने प्रतिशत नमी होती है, हाउ मच मॉइस्चर परसेंट इज इन काउ घी, पहला ऑप्शन है 0.51%, दूसरा ऑप्शन है 1.2%, तीसरा ऑप्शन है 11.2% और चौथा ऑप्शन है 22.2%। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि 0.5% उसमें मॉइस्चर होता है, तो आंसर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खुरपका एवं मुंहपका बीमारी फैलती है, द फुट एंड माउथ डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू, कई बार ये खुरपका और मुंहपका का वो फुट एंड माउथ डिजीज को एफ एंड डी भी लिखता है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है संक्रमित राशन द्वारा, दूसरा है हवा द्वारा विंड से, तीसरा है पक्षी द्वारा बर्ड्स या चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो बीमारी है ये संक्रमित राशन से फैलती है या इन्फेक्टेड फीड से फैलती है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मक्का में कितना संपूर्ण पाच्य तत्व पाया जाता है, हाउ मच टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन मेज, तो पहला ऑप्शन है 71%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 92% और चौथा है नोनो दिस। तो फ्रेंड्स 80% उसमें संपूर्ण पाच्य तत्व पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 2010 के क्वेश्चंस जो पीईटी में पूछे गए थे। अब अगली बार हम इसके अगले आगे के जो टेस्ट पेपर हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं या जो आपकी क्यूरीज हैं वो बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।